हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द ब्रेसेस गाइड। मैं रोहित आपके साथ। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने तरह के रिटेनर्स होते हैं और कौन सा रिटेनर आपको ब्रेसेस ट्रीटमेंट के बाद अपने लिए चूज करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप ब्रेसेस के पेशेंट हैं, मेक श्योर इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक बार जब आपका ब्रेसेस का ट्रीटमेंट सक्सेसफुली पूरा हो जाता है, आपके दांत पूरे सीधे हो जाते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो रिटेनर्स का होता है। तो इसमें जो आपके ऑर्थोडोंटिस्ट हैं, वो क्या करेंगे, आपको कुछ इस तरह का डेंटल डिवाइस देते हैं, तो इन्हें हम रिटेनर्स कहते हैं। तो इनका काम ये होता है कि जो ब्रेसेस ट्रीटमेंट के बाद जो आपके दांतों को नई पोजीशन मिली है, उस नई पोजीशन में दांतों को पकड़ के रखने का होता है। तो इन रिटेनर्स को आपको पहनना होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, रिटेनर्स मतलब रिटेन करने का जो काम होता है वो रिटेनर्स का होता है। तो इनको आपको 2 साल तक पहनना होता है। अगर आप नहीं पहनेंगे तो आपके जो ट्रीटमेंट है वो फेल हो सकता है, रिलैप्स हो सकता है, और आपके जो दांत है वो उसी डायरेक्शन में भागने शुरू हो जाएंगे जैसे ब्रेसेस का ट्रीटमेंट से पहले थे। तो मेक श्योर आपको ब्रेसेस ट्रीटमेंट के बाद इन रिटेनर्स को कम से कम 24/7 2 साल तक पहनना है। जब बात करें रिटेनर्स की, देखिए बेसिकली 3 तरह के रिटेनर्स होते हैं। रिटेनर्स आप कोई भी चूज करें, सबका काम एक ही होता है, और वो ये होता है कि जो दांतों को नई पोजीशन मिली है, उस नई पोजीशन में दांतों को पकड़ के रखने का होता है। तो जो 3 तरह के रिटेनर्स होते हैं इंडिया में जो रिकमेंड किए जाते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट द्वारा, सबसे पहला हॉले रिटेनर्स जैसे कि आप देख पा रहे, दूसरा तरह का जो रिटेनर्स होता है वो फिक्स रिटेनर्स होते हैं, और तीसरे तरह के जो रिटेनर्स होते हैं उन्हें हम प्लास्टिक रिटेनर्स कहते हैं, जिनको हम क्लियर रिटेनर्स भी यहाँ पे कहते हैं। तो चलिए बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रोस और कॉन्स भी डिस्कस करेंगे, और इससे आपको मदद मिलेगी कि कौन सा रिटेनर्स आपको चूज करना चाहिए। तो सबसे पहले तरह का जो रिटेनर्स होता है, जो ज़्यादातर केसेस में 90% केसेस में जो आपके ऑर्थोडोंटिस्ट रिकमेंड करते हैं, वो है हॉले रिटेनर्स जैसे कि आप देख पा रहे। तो ये जो रिटेनर्स होता है वो रिमूव करने वाला होता है, ठीक है, यानी कि जब चाहे आप इसे रिमूव कर सकते हो, जब चाहे आप इसे पहन सकते हो। फिर भी ऑर्थोडोंटिस्ट आपको रिकमेंड करते हैं कि 24/7 आपको पहनना होगा 2 साल तक, और सिर्फ खाना खाने के टाइम आपको इनको हटाना है और टाइम आपको इसे पहनना होगा। अगर आप नहीं पहनेंगे तो आपके जो दांत है वो शिफ्ट हो सकते हैं। तो 2 साल तक आपको इन रिटेनर्स को यहाँ पर पहनना चाहिए। देखिए, जो हॉले रिटेनर्स होते हैं वो बेसिकली एक मसाले के बने होते हैं, और ये जो मसाला होता है बहुत ही ड्यूरेबल होता है, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होता है, और ये एक स्टील वायर के साथ भी आता है। अच्छा, इस वायर से फ़ायदा क्या होता है, देखिए इनकेस जैसे कि मान लीजिए 2 साल तक आपको इन्हें पहनना होता है, लेकिन इनकेस अगर आप इसे रेगुलर बेसिस में नहीं पहनते, 24/7 नहीं पहन सकते, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कुछ पेशेंट के दांत शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसका जो पहला संकेत वो होता है वो ये होता है कि दांतों के बीच में थोड़ी सी गैप आ जाती है, स्पेस आ जाती है, जो जिस समय आपका ट्रीटमेंट पूरा हुआ था उस समय नहीं थी, ठीक है, तो उस समय नहीं थी, बाद में अगर स्पेस आ गई है, मतलब आपके जो दांत है थोड़े से शिफ्ट हो गए, तो ऐसे में इस हॉले रिटेनर्स को लेकर अगर आप ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाएंगे, तो जो इस हॉले रिटेनर्स में यहाँ पे आप स्टील का वायर देख रहे हैं, इसमें कुछ एडजस्टमेंट किए जाते हैं और जो स्पेस आई है उसे बंद कर दिया जाता है। अगर प्राइस की बात की जाए, थोड़ा सा इसका प्राइस थोड़ा सा सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू अदर टाइप्स ऑफ रिटेनर। बहुत ही अच्छे होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। हॉले रिटेनर सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड रिटेनर्स होते हैं। कोई भी ऑर्थोडोंटिस्ट सबसे पहले हॉले रिटेनर्स रिकमेंड करता है, और सबसे अच्छी इसकी बात यही है, इसे आप जब चाहे रिमूव करो, जब चाहे पहन सकते हो, ठीक है, आप अपने हिसाब से इसे चूज़ कर सकते हो, लेकिन फिर भी 2 साल इसको आपको ज़रूर पहनना चाहिए। कई कलर ऑप्शन में आता है, तो स्टार्टिंग में जब आप इसे पहनोगे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल आपको फील होगा, लेकिन 2 हफ्ते बाद आप इसके हैबिचुअल हो जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप हॉले रिटेनर्स अगर आपको इस तरह की चॉइस मिलती है तो आप इसे चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट तरह का रिटेनर्स होता है उसे हम कहते हैं फिक्स रिटेनर्स। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, आपके दांतों के पीछे से इस तरह का वायर को यहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है, बॉन्ड कर दिया जाता है, और यहाँ पे जो बॉन्डिंग की जाती है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि ये आराम से 2 साल तक इस वायर में कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आने वाली है। तो जैसे ब्रेसेस को दांतों के ऊपर से लगाया जाता है, बॉन्डिंग की जाती है, उसी तरह से फिक्स रिटेनर्स के केस में दांतों के पीछे से इस वायर को यहाँ पे बॉन्ड कर दिया जाता है ताकि आपके दांत यहाँ पे शिफ्ट ना हो। देखिए, जो फिक्स रिटेनर्स की जो कॉस्ट होती है वो हॉले रिटेनर्स के कंपेयर थोड़ी सी महंगी हो सकती है, क्योंकि इसमें जो वायर होता है इसको परमानेंटली आपके दांतों के पीछे फिक्स कर दिया जाता है। फिक्स रिटेनर्स के केस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, क्योंकि ये परमानेंट होता है और दांतों के पीछे क्योंकि फिक्स कर दिया जाता है, तो कुछ समय के लिए आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, लेकिन 1 महीने बाद आप इसके हैबिचुअल हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ और भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि अगर आप इसे साफ नहीं करेंगे तो इसमें खाना चिपक सकता है, तो उससे भी थोड़ा सा आपको डिसकंफर्ट हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको रोज जब आप ब्रश करेंगे तो आपको जो फिक्स रिटेनर्स है उसे ब्रश से रोज साफ करना पड़ेगा।
रहेगा। फिक्स रिटेनर्स की सबसे अच्छी बात ये लगती है क्योंकि ये परमानेंट होते हैं और दांतों के पीछे से फिक्स कर दिए जाते हैं, तो दांत शिफ्ट होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो 90% केसेस में ऐसा देखा जाता है कि अगर आप फिक्स रिटेनर्स लगवाते हैं तो आपके दांत शिफ्ट नहीं होते और आराम से 2 साल तक ये जो वायर होता है आपके दांतों के पीछे से फिक्स रहता है, और इससे ये होता है कि दांत आपके कभी भी शिफ्ट नहीं होते और आपका जो ट्रीटमेंट होता है वो कभी भी रिलैप्स नहीं होता और आपको सक्सेसफुली आपका ट्रीटमेंट पूरा होता है। इसके बाद जो तीसरा तरह का जो रिटेनर्स होता है जो बहुत ही कम रिकमेंड किया जाता है वो होता है प्लास्टिक रिटेनर्स, इन्हें हम क्लियर रिटेनर्स भी यहाँ पे कहते हैं। तो ये जो रिटेनर्स होता है बहुत ही रेयर केस में कुछ ऑर्थोडोंटिस्ट रिकमेंड करते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में इस तरह का रिटेनर्स रिकमेंड नहीं किया जाता। तो इसमें कुछ इस तरह की कैप्स आपको दी जाती है, जब आपका ब्रेसेस का ट्रीटमेंट पूरा हो जाएगा तो आपके दांतों का इंप्रेशन होता है उसके बेसिस में इस तरह की कैप्स आपको दी जाती है, इस कैप्स को आपको यहाँ पे पहनना होता है। मेक श्योर आपको इन कैप्स को 2 साल तक पहनना है, सिर्फ खाना खाने के टाइम इनको आपको हटाना होता है, बाकी ऑल टाइम इस कैप्स को आपको पहनना होता है। लेकिन इसकी कुछ बेकारी भी होती है, बेकारी ये होती है कि जैसे कि इनकी जो कॉस्ट होती है वो हॉले और फिक्स रिटेनर्स के कंपेयर थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और दूसरी इसकी बेकारी ये होती है कि इन केस अगर आप इस क्लियर रिटेनर्स को नहीं पहनते 24/7 और अगर आपके दांत शिफ्ट हो जाते तो उस कंडीशन में अगर दांतों के बीच में गैप आ गया तो उस गैप को दोबारा भरा नहीं जा सकता। तो ये इस क्लियर रिटेनर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो मेक श्योर अगर आप इस क्लियर रिटेनर को चूज करें तो मेक श्योर इस रिटेनर्स को आपको 24/7 पहनना होगा, और अगर आप नहीं पहनेंगे तो दांतों के बीच में गैप आ जाएगा, दांत शिफ्ट हो सकते और अगर शिफ्ट हो गए उसके बाद ये जो क्लियर रिटेनर्स हैं आपके पूरे तरह से बेकार हो जाएंगे। तो ये जो रिटेनर्स हैं बेसिकली उन लोगों के लिए ज़्यादा सही है जिनको एक ट्रांसपेरेंट रिटेनर चाहिए ताकि सामने वाले को ना दिखे। तो इस तरह के रिटेनर्स आप लगा सकते हो, ठीक है, एकदम क्लियर होते हैं, एकदम ट्रांसपेरेंट होते हैं, सामने कोई इंसान को नहीं पता चलेगा कि आपने रिटेनर्स लगा रखे, लेकिन थोड़ा सा रिस्की होता है। और साथ ही साथ जिन मटेरियल के बने रहते हैं वो भी ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होता, तो बहुत ही केयर के साथ आपको इस तरह के जो रिटेनर्स हैं उनको पहनना चाहिए। और ये जो रिटेनर्स होते हैं जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं या जो लोग को दांत कटकटाने की आवाज़ होती है नींद में, उनको भी ये रिकमेंड नहीं किया जाता क्योंकि मटेरियल उतना अच्छा नहीं होता जिससे बनते हैं, तो इससे ये टूट सकते हैं। अगर ये टूट गए तो दोबारा आपको इसका ऑर्डर देना होगा, तो बार बार आपका खर्चा होगा। इसी के चलते ये जो रिटेनर्स होते हैं वो ज़्यादातर ऑर्थोडोंटिस्ट आपको रिकमेंड नहीं करते हैं। तो वेल ये है 3 तरह के रिटेनर्स जिसमें से आप चूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में हॉले रिटेनर्स और फिक्स रिटेनर्स ही ऑर्थोडोंटिस्ट यहाँ पे रिकमेंड करते हैं। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है अगर आपके ऑर्थोडोंटिस्ट आपको इस तरह का ऑप्शन रखते हैं कि चूज़ करने वाला, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फिक्स रिटेनर्स लगाना। जैसे आपके ब्रेसेस ऑफ होंगे तुरंत एज सून एज पॉसिबल आप जाके फिक्स रिटेनर्स लगवा लेना। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि दांतों के पीछे से इस तरह से सिंगल वायर को चिपका दिया जाता है, बॉन्ड कर दिया जाता है, तो फ़ायदा से ये होगा क्योंकि ये फिक्स रहता है तो दांत शिफ्ट होने का चांसेस ख़त्म हो जाता। रिमूव करने वाले जिसे हम हॉले रिटेनर्स कहते हैं, इसमें क्या होता है कभी आप उसको पहनोगे कभी उसे निकालोगे, तो कभी कभार ये होता है आप निकाल तो देते हो पहनना भूल जाते हो, तो ये जो लफड़ा होता है वो फिक्स रिटेनर्स में ख़त्म हो जाता है। एक वायर को पीछे दांतों के पीछे चिपका दिया, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है कि कुछ भी हार्ड फूड आपको नहीं खाना, जैसे कि नॉनवेज हो गया, बादाम हो गया, इस तरह की चीज़ें खाने से आपको अवॉइड करना है। बाकी जो बॉन्डिंग होती है बहुत ही स्ट्रांग होती है, आराम से 2 साल तक ये चल जाएगा, और 2 साल तक अगर आपने इस वायर को प्रोटेक्ट कर लिया टूटने से तो उसके बाद आपके जो दांत हैं शिफ्ट होने के चांस पूरे ख़त्म हो जाते हैं और आपका जो ट्रीटमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा।